इतनी किसान जा रही है उधर, हम लोग को छोड़ने जा रहे हैं। बस को रुकवाओ, बस को रुकवाओ, बस को रुकवाओ भैया। हमको बिठाया गया है ना, बिठाया गया है बस में, हमने खुद पता किया कि हम उल्टा जाएंगे। हम नहीं जाएंगे आज 21 तारीख है, जितना दूर हम जा सकते हैं उतना दूर जाके हम जमीन पर लेट जाएंगे। हम लोग नेपाल से आए, 3 दिन से पके प्यास से आए हैं। 21 तारीख है, 26 तारीख है, 25 है, जितना दिन है हम देखेंगे। कल दर्शन करेंगे प्रभु के, हम लोग आ रहे हैं बुड्ढे मरो। तो आप क्या करेंगे इस बार? हम क्या करेंगे, क्या करेगा तू? पास में स्टेशन तो है, कौन गाड़ी कखनी आते या कौन गाड़ी कखनी आते। भूख ले प्यास ले हम स्टेशन पर हथिया देवे, दही फांसी लगावे। तो अभी बहुत बहुत ही गंदी चीज हुई हमारे साथ। हम पैदल चल के 10 किलोमीटर्स पहुंच गए थे एंड 4 किलोमीटर्स हुए लेफ्ट फॉर फैज़ाबाद, बट वो चेक पॉइंट था, चेक पॉइंट पे हमें रुकाया गया एंड रुका कर कहा कि बस आएगी और बस आपको लेके जाएगी अयोध्या। पर बस तो तुरंत नहीं आई, बस आई 1.5 घंटे बाद एंड दैट बस टुक अस टू समवेयर अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम दैट एरिया। And now we are at Bharatkund and searching for some kind of hostel. Hostel dekh rahe hain. बहुत सिक्योरिटी जाएंगे तो 22-23 तारीख को जाएंगे। 23 तारीख को, 23 तारीख को चलो ना, 23 तारीख को चालू हो जाएगा ना। 22 का है, कब है? 22 को, 23 को चालू है। आंटी आप इधर ही है क्या? हम घूम के वापस आ गए। हम भी बस में छोड़ दिया, उसने घुमा दिया उधर से, तो हम बोले उधर ही इधर छोड़ दो, वो बोले इधर ये है आश्रम वहाँ पे रह लो। सब लोग को नहीं, हम ही लास्ट में रह गए थे। अच्छा, हम घूम के वापस आ गए उनके साथ। और सब लोग? सब लोग उतर गए एक एक करके। हमने उनको रिक्वेस्ट किया छोड़ दो, हमारा रूम था ना उधर अयोध्या में। हाँ। वो कैंसिल कर दिया। पर फिर जब खाना खा के वापस आते हैं, भीड़ 4 गुना हो गई थी, सॉरी 8 गुना। अब ये लाइन सच्चाई हो गई है। अब मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। अगर ये सब ना होता तो यहाँ हम कभी आते ही नहीं, मतलब भरतकुंड कभी हम देख ही नहीं पाते। भरतकुंड वो जगह है जहाँ राम जी जब वनवास चले जाते हैं और उनके छोटे भाई भरत उन्हें घर वापस ले जाने आते हैं, पर तमाम कोशिशों के बाद राम जी अपने पिता का वादा नहीं तोड़ना चाहते थे। तभी भरत ने भी ठान ली कि जब तक राम जी घर पे नहीं आ जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सारे लोग अपने अपने मार्ग खोज रहे थे क्योंकि रोड पे पुलिस अभी भी तैनात थी। पूरा हॉल खाली हो चुका था, सारे लोग निकल गए थे और रह गए तो बस हम लोग। अब हमने हिम्मत तो जुटा ली थी पर भगवान का आशीर्वाद अभी भी बाकी था, तो हम आ जाते हैं कुंड के पास ही बने हुए मंदिर में। भजो रे भैया राम।
अभी हम सोच रहे हैं 3 या 4 बजे के शाम को, 3 या 4 बजे के बाद निकलेंगे, क्योंकि उसके बाद मतलब 3 बजे कुछ मोदी जी निकलने वाले हैं, मोदी जी, योगी जी या नॉन सेलिब्रिटीज, तो उसके बाद पूरी सिक्योरिटी कम हो जाएगी और रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे अयोध्या मंदिर के पास। अब तैयार होके हम निकलने वाले होते हैं कि एक मेडिकल वाले भैया कहते हैं, मेन रोड से ना जाते हुए आप लोग जाइए इस वाले रोड से, जो कि गांव-गांव से होते हुए एक पीछे का रास्ता था, और हम पागल चल पड़े 20 किलोमीटर पैदल। पर जल्दी ही राम जी की कृपा से एक रिक्शा वाले भैया हमें अयोध्या के बॉर्डर तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। थोड़ा सा आराम से जाते, बैग ऊपर ज्यादा है ना, आराम से ही चलेंगे। हाँ जी आराम से। और बड़ी ही आसानी से पुलिस को चकमा देकर हम पहुंच गए थे अयोध्या। किलोमीटर रीचिंग आवर डेस्टिनेशन सो सून। पता नहीं, अलग सी खुशी हो रही है, क्यों? क्योंकि हम अभी बस 4 किलोमीटर दूर है अयोध्या राम मंदिर से। आ गए भाई, कैसे पता नहीं पहुंच गए। कई सारी मुसीबतें आई, थोड़ा सा डर भी लगा, बहुत सारे चमत्कार भी हुए, पता भी नहीं था कि यहाँ तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। पर धीरे धीरे हमें विश्वास होने लगा था कि हम अयोध्या पहुंच ही जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? इससे अच्छा और क्या लगेगा। अभी आ रहे हैं इधर से सुल्तानपुर से, पैदल आ रहे हैं। पैदल आ रहे सुल्तानपुर से? अरे तो ट्रेन पकड़ लेते ना, हम भी वैसे आए। तो ट्रेन कहाँ चल रही है? ट्रेन एक ट्रेन निकाली थी। इन भैया जी की बात सुनकर और अपने आप को नसीब वाला मानकर हम पहुंच जाते हैं, और वो खुशी कहाँ छुपा सकते थे हम। पूरी अयोध्या मानो दीयों से जगमगा उठी थी। जय श्री राम। हर एक गली, घर, मंदिर, सारी जगह हजारों दिए जल रहे थे। अब हम सब कुर्ता पहन के जा रहे थे मंदिर के प्रवेश द्वार पर अभी तक हमारी खुशी ठीक से बाहर आई कहाँ थी। अभी तक नहीं। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर। फाइनली जिसके लिए इतना मेहनत किया आज वो सफल हुआ है। जय श्री राम। जय श्री राम। ज्यादा देर वहां ना बिता के खाना खाके हम चले आते हैं आराम करने, क्योंकि सुबह उठना था 5 बजे। हम बहुत खुश थे क्योंकि हमें लग रहा था कि हम पहले हैं, पर जब वहां पहुंचते
हजारों लोग प्रवेश द्वार के बाहर खड़े थे। और जब गेट खुलता है लाखों लोग पता नहीं कहां कहां से आए थे बस राम जी की एक झलक देखने। जल्दी मुझे पता चलता है कि मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है तो मैं लॉकर में अपना फोन जोड़ के दर्शन पाके आ जाता हूँ वापस। पर फिर से अपना मोबाइल लेके मैं चले जाता हूँ फिर से दर्शन करने के लिए क्योंकि मैंने अंदर बहुत सारे मोबाइल्स देख लिए थे। मंदिर को जब मैंने पहली बार देखा था तब मेरे आंखों में आंसू थे। फिर मंदिर में गर्दी ज्यादा होने के कारण हमें फिर रुकाया जाता है। चुप रहा यार, तो कुछ बोला ना भाई। तो हम नहीं जा रहे, तो बाहर तो कहते फिर टूर करने आ गए थे। पब्लिक अपना ताबा खो रही थी पर सच्चे भक्त नहीं। सीताराम 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 सीताराम। फिर से आ गया कैमरा लेके, क्योंकि पहली बार जब आया था तब कैमरा अलाउड नहीं किया था, मोबाइल अलाउड नहीं किया था। और अभी मैं फाइनली सेकंड बार दर्शन लेके आया हूँ। पहली बार मैंने मूर्ति नहीं देखी थी और इस बार पूरी देख के आया हूँ। The day I met you guys on that I think 21st morning, early morning, 4 o'clock, where I was scattering here and there and I was struggling to go to Ayodhya and I didn't get a bus. I missed the bus which I booked and you guys came. I don't know, Lord Ram had a thing in his mind that okay, I should go and meet him with the help of you guys. So it was completely a boosting, like what to say, morale booster for me and everything. So I'm speechless actually. Without you guys, without your company, I don't know what I would have done alone going. I would have reached, but it would have been still more struggle. That's what I'm feeling. So thank you guys. So everyone, definitely I can't use any words to express that help or what to say, that closeness we developed. I'm just feeling like now you guys are just my brothers kind of thing. Like, bataiye na aapko kaisa laga wo bataiye. अपने शब्दों में बताइए आराम से, जो आपको महसूस हो।